हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फारिया जवेद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन को लाइट एंड ब्राइट करने के लिए स्क्रब शेयर करूँगी, जो आप लोग इसको यूज़ करके अपनी स्किन को लाइट एंड ब्राइट कर सकते हो। तो आप लोगों ने सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने लेना है 2 टीस्पून राइस पाउडर और 1 टीस्पून आप लोगों ने लेना है गंदम का दलिया, और ये है मेरे पास वाइटिंग कैप्सूल। उसके बाद आप लोगों ने एलोवेरा जेल लेनी है, फिर ये रोज़ वाटर है मेरे पास। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आपने कोई वाइटिंग क्रीम डालनी है, जो कंपनी की हो तो आप लोगों ने वाइटिंग क्रीम ही इसमें डालनी है। मेरे पास ये वाली है बायोइक्वा की, आप कोई भी कंपनी की ले सकते हो। इसमें आप लोग फेस फ्रेश की कंपनी की भी यूज़ कर सकते हो और फेयर लवली, इन तीनों में से आप लोगों ने कोई एक यूज़ करनी है। ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी क्रीम है। तो आप लोगों ने इन दोनों में से कोई एक ही यूज़ करनी है, या फेयर लवली भी यूज़ कर सकते हो। और आप लोगों ने इसमें राइस पाउडर डालना है, उसके बाद आप लोगों ने इसको रोज़ वाटर के साथ मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसमें एलोवेरा जेल डालनी है, वो आप लोगों ने 1 टीस्पून डालनी है। और इसको करेंगे मिक्स, जो जो चीज़ इसमें डालेंगे वो साथ साथ आप लोगों ने मिक्स करनी है। फिर आप लोगों ने इसमें वाइटिंग कैप्सूल डालना है, ये आप लोगों को कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा या ऑनलाइन भी आप लोग बाय कर सकते हो। और इसको डाल के आप लोगों ने मिक्स करना है, और इसके साथ आप लोगों ने कोई इन तीनों में से कोई आपने एक क्रीम यूज़ करनी है, इसमें डालनी है, वो आप लोगों ने 1 टीस्पून डालनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये 1 टीस्पून वाइटिंग क्रीम डालनी है इसमें, और इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के इसको करना है आप लोगों ने सही तरीके से मिक्स। और ये स्क्रब तैयार हो चुका है। आप लोगों ने इसको अपने फेस पे किस तरह यूज़ करना है, इस सबसे पहले आप लोगों ने अपने चेहरे को क्लीन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने फेस पे 2 से 3 मिनट के लिए स्क्रबिंग करनी है इसकी, फिर आप लोगों ने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो ये यूज़ कर सकती हैं, ये स्किन को ड्राई करेगा। और इसको यूज़ करके इसके रिज़ल्ट मेरे साथ आप लोगों ने लास्ट में शेयर करने हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप लोग इसको वीक में 2 या 3 दफ़ा इसको यूज़ ज़रूर करें, और रिज़ल्ट आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करने हैं।